नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। फाइनली आज दोस्तों MP बोर्ड द्वारा यहां पे नोटिस जारी कर दिया कि अब यहां पे आपके क्लास टेंथ का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि आपका क्लास टेंथ का रिजल्ट किस तरीके से बनाया जाएगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, बिल्कुल भी यहाँ पे आप स्किप मत करेगा। और दोस्तों ये जो नोटिस है, अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उससे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप की जो दोस्तों जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करेगा ताकि आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया। तो अब आपके क्लास टेंथ का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपका रिजल्ट किस तरीके से बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो आपकी अर्धवार्षिक यानी कि जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे, आपके प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, और आपके स्कूल में दोस्तों जो भी यहाँ पे यूनिट टेस्ट या फिर जो भी मंथली टेस्ट कंडक्ट कराए गए होंगे उससे दोस्तों आपका इस बार का यहाँ पर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो आपका रिजल्ट है वो 100 नंबर से बनेगा, जिसमें दोस्तों जो आपके 50% है, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, जो आपका 50% यानी कि जो आपका 50% है वो दोस्तों आपका हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम से लिया जाएगा। आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हुआ होगा या फिर प्री बोर्ड एग्जाम हुआ होगा, जिस भी पेपर में दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उससे दोस्तों आपका 50% यानी कि 50% में उसको कन्वर्ट करके आपके यहाँ पे मार्क्स लिए जाएंगे। और दोस्तों बाकी जो आपका 30% है वो दोस्तों आपका यूनिट टेस्ट लिए लिया जाएगा या फिर जो भी आपके मंथली टेस्ट स्कूल में कंडक्ट कराए गए होंगे दोस्तों उसके आपके 30% लिए जाएंगे। और जो आपका 20% है दोस्तों जो आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं उस तरीके से दोस्तों आपका 100 नंबर का यहाँ पर रिजल्ट बनाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं साइंस की, क्योंकि आप सभी को पता है कि साइंस में दोस्तों आपका 20 नंबर का यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इस बार दोस्तों अब आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे और जो आपके दोस्तों बाकी जो आपके थ्योरी के नंबर आ रहे होंगे ना उसी बेसिस पे दोस्तों आपको 20 में से भी यहाँ पे नंबर दे दिए जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में। और दोस्तों जो भी आपके यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे आपको प्री बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम को देखते हुए, इन सभी का दोस्तों ऑफिशियल डाटा आपके स्कूल को यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि दोस्तों अगर यहाँ पे फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई चेकिंग होती है तो दोस्तों किसी प्रकार की यहाँ पे कोई गलती ना हो। इसलिए जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे आपके स्कूल द्वारा वो आपको सही नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका सेकेंड पेज देख लेते हैं। तो सेकेंड पेज में दोस्तों यही जानकारी दी गई कि जो आपका रिजल्ट है आपके स्कूल का दोस्तों पिछले 3 साल का जितना भी यहाँ पर रिजल्ट का परसेंटेज रहा होगा उसका एवरेज यहाँ पे परसेंटेज लिया जाएगा। मान लीजिए आपके स्कूल का पिछले साल का रिजल्ट 70% था या फिर 85% था, जो भी परसेंट था दोस्तों इस साल भी आपका रिजल्ट उतना ही परसेंटेज रहना चाहिए। आपका 2-3% ज़्यादा हो जाएगा वो चल जाएगा, लेकिन इसमें दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसलिए आपके जो पिछले 3 सालों का जो भी रिजल्ट होगा उसमें से दोस्तों जिस भी साल सबसे ज़्यादा परसेंटेज बना होगा उसको बेंचमार्क लेके दोस्तों इस साल का आपका रिजल्ट यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 8 देखिए, अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी विषय में यहाँ पे फेल हो रहे होंगे तो यहाँ पे आपको फेल नहीं किया जाएगा और आपको 33% मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है जिनकी दोस्तों यहाँ पर तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी और जिनको ऐसा लगता था कि हम तो यहाँ पर फेल हो जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पर अच्छा है कि इस बार कोई भी बच्चे यहाँ पर फेल नहीं होंगे और सभी बच्चों को यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 9 देख लीजिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा एवं अगले सत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी विषय में यहाँ पे एब्सेंट हैं, कोई विषय का यहाँ पे दोस्तों आपने पेपर नहीं दिए हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका क्लास टेंथ का रिजल्ट बनेगा रेगुलर स्टूडेंट का। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट का किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो 3 नंबर का पेज है यहाँ पर आप देखिए, इसमें क्लियरली मैंशन किया गया है, तो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं दोस्तों उनके किसी प्रकार के हाफ ईयरली एग्जाम, किसी प्रकार के प्री बोर्ड यहाँ पर एग्जाम नहीं होते तो उन सभी को दोस्तों यहाँ पर 33% देके पास कर दिया जाएगा। देखिए अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट या फिर रेगुलर स्टूडेंट अपने अंकों से यहाँ पे असंतुष्ट है तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इसके संबंध में मंडल द्वारा भविष्य में नीति तय की जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको मिनिमम 30% देके तो पास कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि दोस्तों आपको इससे ज़्यादा नंबर देके ही पास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने नंबरों से यहाँ पे संतुष्ट नहीं हैं तो आगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों यहाँ पे आप एग्जाम दे सकेंगे और इसके लिए दोस्तों जो नई गाइडलाइंस है बोर्ड द्वारा यहाँ पे जारी कर दी जाएंगे
और दोस्तों इस बार जो आपका रिजल्ट है, इस बार भी आपका बेस्ट ऑफ फाइव योजना से बनेगा। यानी कि दोस्तों जो आपका रिजल्ट है टॉप फाइव विषय से बनेगा, जिन पांच विषयों में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे उन पांच विषयों को दोस्तों आपका काउंट किया जाएगा, और जिस छठवें विषय में आपके सबसे कम नंबर होंगे उससे दोस्तों यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका क्लास टेंथ का रिजल्ट बनाया जाएगा। हालाँकि दोस्तों ये जो रिजल्ट बनाया जा रहा है, ठीक है अभी कोरोना की कंडीशन इस कारण इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट बनाया जा रहा है, लेकिन जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी यहाँ पे साल भर मेहनत करी थी, जिनको लगता था कि उनके 90 से ज़्यादा परसेंटेज बनेंगे, 85 से ज़्यादा परसेंटेज बनेंगे, उन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन खैर दोस्तों इस समय जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इस कंडीशन में आपके एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो अच्छा है कि आप सभी का रिजल्ट इस तरीके से बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों एक बात ये अच्छी रहेगी कि जो भी बच्चे यहाँ पे फेल हो रहे थे इस साल, यहाँ पे बच्चे फेल नहीं होंगे और सभी बच्चों के यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।